आप अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं सेकुलर, सेकुलरिज्म, ये सेकुलर सोसाइटी है, ये सेकुलर तालीम है। इस लफ्ज़ के अंदर मजहब का इनकार नहीं है ओरिजिनली, बल्कि मजहब के किरदार को लिमिटमाइज करना, छोटा करना, एक खास दायरे के अंदर बंद करना, जिसे एक बड़ा मशहूर जुमला बोला जाता है, आपने भी सुना होगा, रिलीजन इज द प्राइवेट अफेयर ऑफ अ मैन्स लाइफ। जो मजहब है ना, ये बंदे की जिंदगी का जाती मसला है, इज्तिमाई नहीं है। उसको उसकी तहदीद कर दी जाती है, उसका एक खास दायरा बन जाता है। ये शायद इसलिए हुआ है कि जब अकल ख्वाहिश के ताबे होके वही से टूटी तो मजहब के साथ टकराव तो आया, ईसाइत में तो बहुत ज्यादा आया कलीसा और रियासत का, तो उस टकराव के जो फैलाव है उसकी शिद्दत को कम करने का तरीका क्या होना, कि मजहब को कबूल हो, कोई बात नहीं ले लो उसको, लेकिन उसको एक साइड पर लगा, कॉर्नर करो। चर्च में जो जाता है कौन रोकता है भाई, आपको जाए, आप चर्च में जरूर जाए ईसाइत के अंदर, और जो नहीं जाता आप उसको ना कहें कि आप क्यों नहीं जाते भाई। तो हर वो डिपार्टमेंट जिंदगी का जिसमें मजहब का डोमिनेंट रोल नहीं होगा, गालिब किरदार नहीं होगा कि वो उसको कंट्रोल करे, उससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सेकुलर डिपार्टमेंट, सेकुलर एजुकेशन है, सेकुलर स्टेट है, सेकुलर सोसाइटी है, जिसमें कंट्रोलिंग फोर्स वो मजहब के पास ना हो, वो खुद अपने जहन से लोग फैसला करते हैं। एक जुमला और आपने सुना होगा अक्सर मगरब का, इफ यू आर इन रोम, अगर आप कहाँ हैं, रोम में, रोम के अंदर, डू एज द रोमन्स डू, वैसे करो जैसे रोमी करते, यानी जिधर हो बस जिधर की हवा चले चलाओ, क्या मसला है हर जगह जाके अपने मौलवी पद को लेके आने। ये उसी की सारी ब्रांचेस है जो निकलती रहती, कभी उधर को कभी उधर को, पीछे क्या है कि वही से मुनकते हो, फिर बस उसकी जेते हैं। जिंदगी शऊर से अल हिकमा इंटरनेशनल।